वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी 5 कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते, जो रहस्य का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आप जान सकेंगे कि श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन से 5 कड़वे सत्य बताए थे। दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान की बातें दिल्ली में आपका स्वागत है। बात उस समय की है द्वापर युग के अंत में, जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता और उसके बाद लंबे समय तक शासन किया। एक दिन पांडवों ने आगे आने वाले युग कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि आने वाले कलयुग में मानव कैसा होगा और उसका आचरण और व्यवहार किस प्रकार का होगा। तब वे सभी पांडव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे और बोले, हे मधुसूदन, द्वापर युग का अंत चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है। हमारे मन में आने वाले कलयुग के बारे में जानने की इच्छा हो रही है, तो हम सब पे कृपा करके बताइए कि आने वाला कलयुग मानव जाति के लिए कैसा रहेगा और इस युग में मानवों का आचरण कैसा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में जाओ और जो कुछ भी देखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में क्या प्रभाव होगा बताऊंगा। उसके बाद पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। बाद में उन्होंने जो कुछ भी वन में देखा उसे देखकर अचंभित रह गए। तो आकर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे तो उसने 2 सूंड वाला हाथी देखा, तो उसने अपने मन में सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। फिर वो जब वापस आते हैं और श्री कृष्ण को ये बात बताते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे व्यक्ति हर वक्त प्रजा का शोषण करेंगे। ऐसे लोगों के मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही करेगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। उसके बाद अर्जुन जिस दिशा में भ्रमण करने गए थे तो वहां उसने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पर वेदों की लिखावट था और वो पक्षी मरा हुआ जानवर का मांस खा रहा था। ये देखकर अर्जुन दंग रह गया। उसके बाद आकर ये बात श्री कृष्ण को उसने बताए। तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे और वो अधिक शिक्षित भी होंगे, लेकिन उसका व्यवहार दुष्टों जैसा होगा। कलयुग में ऐसे लोग अन्य लोगों के बीच धर्म ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे अधर्म और पाप का काम करेगा। उसे सब चीजों का ज्ञान तो होगा, लेकिन उसका आचरण दुष्टों जैसा होगा। उसके बाद भीम जिस दिशा में भ्रमण करने गए थे तो वहां उसने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और वो गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उस बछड़े का खून निकल आ रहा था। भीम ये दृश्य देखकर हैरान हो गया, तब आकर श्री कृष्ण को सारी बातें बताए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देते हुए कहा, हे भीम, कलयुग में ऐसे माता पिता होंगे जो संतानों के लिए इतने प्रेम करेंगे कि उसके संतान का विकास ही रुक जाएगा और अपने संतानों को परिवार के मोह माया जाल में बांध कर रखने लग जाएगा, जिससे उसके संतानों को किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। अगर किसी का बच्चा भगवान की पूजा अर्चना करके भक्ति मार्ग पर चलते हुए साधु संत बन गया तो लोग उसकी पूजा करेंगे, लेकिन स्वयं का पुत्र साधु बना इस बात से माता पिता दुखी हो जाएंगे, बच्चे के माता पिता रोएंगे और कहेंगे कि हमारा बच्चा किस राह पर चल रहा है। इसके बाद सहदेव जिस दिशा में गए थे वह भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा तो उसने उस गांव में बहुत से कुएं देखे जिसमें सभी कुएं में पानी था, लेकिन गांव के बीच में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी नहीं था। सहदेव सोचता है कि यह कैसे संभव हो सकता है।
फिर सहदेव श्री कृष्ण के पास आकर सारी बातें बताएं। तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। भूखा व्यक्ति भूख से मर जाएगा, लेकिन लोग ये दृश्य देखते रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्य का भंडार तो होंगे, परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। इसके बाद नकुल जिस दिशा में गए थे तो वहां वह देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से तेजी से सभी बड़े बड़े पेड़ पौधों को रौंदते हुए ढलान की तरफ आ रहा है, और वो चट्टान आते आते एक छोटे से पेड़ में टकराकर रुक जाता है। ये दृश्य देखकर हैरान हो गया और वे आकर श्री कृष्ण को सारी बातें बताते हैं। तब श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे नकुल, कलयुग में इंसानों की बुद्धि छीन हो जाएगी और मनुष्य का पतन होने लगेगा। ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता की वृक्ष इससे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हरि नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगा, और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता होगी, और अंत में वह मोक्ष को पा लेगा। मित्रों, श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई कलयुग की ये पांच बातें आपकी समझ में आ गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण बोल देना, और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान की बातें डेली को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।